Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning Classes. Today we are going to see our next exercise. In this exercise, we will discuss divisibility rule. This is your 8th chapter, multiples and factors. So, let's start. Divisibility क्या होता है? किसी भी number को हम कैसे check करेंगे कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल हो रहा है? इस चैप्टर में आपको 2 की, 3 की, 5 और 10 की, इतने ही नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल सीखनी है, ठीक है? 2, 3, 5 और 10 की. जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको इससे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा. फ़िलहाल इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आप इतना ही पढ़ोगे. तो इसमें आपको ये जानना है कि कोई भी नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा, ठीक है? 3 से कैसे होगा, 5 से कैसे होगा और 10 से कैसे होगा. तो आप किसी नंबर को कैसे पहचानोगे? या तो आप उसमें डिवाइड करके चेक करोगे, है ना? लेकिन यहाँ पे आपको अगर रूल पता होगा तो आप बस उस नंबर को देख के ही समझ जाओगे कि वो 2 से डिविजिबल हो रहा है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है. आप बस देख के पहचानोगे. तो वो रूल आपको सीखनी है, ठीक है? तो 2 के लिए क्या होता है? कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा अगर उसके वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो. इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है? 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या फिर 8 हो, कोई भी एक डिजिट होना चाहिए. जैसे हम अगर हम एग्जांपल से समझे इसे, तो मैंने लिख दिया 562. तो इसके वंस प्लेस में आप चेक करो क्या है. तो वंस कहाँ से होता है? ये वंस होता है ना, ये वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड्स. तो वंस में आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया. तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो. तो 2 से यहाँ भी 2 आ रहा है. दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है? तो देखिए, हमें इसे डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ इसके वंस प्लेस को चेक किया और हमें पता हो गया कि वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. ओके, और एग्जांपल लेते हैं. जैसे लिया मैंने 908. तो यहाँ पे भी वंस प्लेस आप चेक कीजिए. वंस प्लेस में क्या है? तो 8 है. 8 आपका होना चाहिए. दैट मीन्स ये जो नंबर है 908, वो क्या है? 2 से डिविजिबल है, ठीक है? 2 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा. तो ये थी 2 के लिए. अब हम 3 का समझते हैं. 3 का क्या है? तो 3 में क्या है, आपको ये सीखना है कि कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा अगर किसी नंबर के सभी डिजिट का सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है? किसी भी नंबर के सारे डिजिट का सम क्या हो, वो 3 से डिविजिबल हो या एक मल्टीपल हो, ठीक है? 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, डिविजिबल भी होगा. तो यहाँ पे एग्जांपल आप समझो क्या होगा. जैसे लिखा हमने 372. तो इस नंबर में आपको हर एक डिजिट का सम करके चेक करना है. तो हर एक डिजिट का अगर सम करोगे तो क्या हो जाएगा? 3, ये पहला डिजिट को हमने लिखा 3, फिर प्लस, फिर क्या है 7, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या है 2. तो ऐड करने पर हमें क्या मिला? 12. तो 12 आपको देखना है कि क्या ये 12 3 से डिविजिबल हो रहा है या फिर 3 का ये मल्टीपल है. तो यस, 3 का ये मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है. दैट मीन्स ये जो नंबर है ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है? तो 3 के लिए यही रूल थी. आपको बस इतना ही करना है, जो भी नंबर होगा उसका हम हर एक डिजिट का सम करके चेक करेंगे, ठीक है? ओके, ये सारा डिफिनेशन आपको बुक में लिखा गया है, आप बुक में देख सकते हो, ठीक है? 5 के लिए क्या होता है? उसके वंस प्लेस में क्या हो? 0 या 5 हो. वंस प्लेस में 0 या 5 कोई भी एक होगा तो वो 5 से डिविजिबल है. जैसे मैंने लिखा 500, 5005, तो यहाँ वंस प्लेस में क्या आ रहा है? तो वंस प्लेस में है 5. दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा. दूसरा मैंने लिया 1000, तो 1000 में वंस प्लेस में क्या है? 0 है. दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. ओके, तो आपने ये
टू थ्री और फाइव का सीख लिया। अब देखिए टेन के लिए क्या होता है, टेन के लिए अगर उसके वंस प्लेस में, ये बहुत इजी है, वंस प्लेस में क्या हो, ज़ीरो हो, वंस प्लेस अगर ज़ीरो हो तो वो क्या हो जाएगा, टेन से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो 3000, 1000, कोई भी बड़ा नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो रूल्स आपने सीख लिया, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक्सरसाइज 24, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई टू। ये जो क्वेश्चन आपके हैं इनमें से कौन सा नंबर टू से डिविजिबल हो रहा है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको चेक करना है। जैसे ये पहला वाला में देखिए 4, 5, 8, 6, इसमें से कौन कौन नंबर टू से डिविजिबल है, तो ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर है, आप ऐसे ही देख सकते हो, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो आप इसके लिए कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे करके लिख लेना, फर्स्ट का ए मैं बता रही हूँ, आप लिखना द नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू आर, क्या क्या था, 4, 8, 6, 4, 8, 6, ठीक है, ये फर्स्ट का ये है। तो आपको ऐसे ही बाकी क्वेश्चन में भी लिखना है, जो भी मिलेगा आपको इतना लिखना होगा, द नंबर्स आर डिविजिबल बाई टू आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई टेन। तो 10 के लिए तो बहुत ईजी है, लास्ट में वंस प्लेस उसका क्या हो, ज़ीरो हो, तो यहाँ देख सकते हैं आप 10, 30 और 70, तो बस आपको यहाँ भी वही सेम सेंटेंस लिखना है, द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10। देखिए मैं लिख दे रही हूँ, द नंबर्स आर डिविजिबल, एक सेकेंड, बाई 10 आर 10, 30 और 70, ठीक है, 30 और 70 हो गया, 10, 30, 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। अब 5 के लिए चेक करना है, तो 5 के लिए क्या था, वंस प्लेस में 0 या 5 हो, तो देखिए इसमें क्या है, ये तो बहुत छोटा सा है, यहाँ 5 सिर्फ डिविजिबल होगा, आप सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे लिखोगे, एक ही डिजिट। बी में देखिए आप, बी वाला मैं लिख देती हूँ, ठीक है, देखिए द नंबर्स, 3 का बी है ये, द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5 आर, डैश करना है, 10, 35, 60, 95, ठीक है, ये चार नंबर ही होंगे आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 3 के लिए क्या चाहिए था, कि जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट का सम क्या हो, 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी वाला सॉल्व करते हैं। ये सब तो आप ऐसे ही समझ जाओगे, 6 होगा, 9 होगा, इसमें भी आप पहचान सकते हो, ये भी आप खुद से करना। हम क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ सम करके बता रही हूँ हर एक डिजिट का, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इसको लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ देखिए हर एक डिजिट को ऐड करने से क्या मिलेगा, 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 6 + 4 = 10, यहाँ से मिला 10, तो 10 आपका क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स ये नंबर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, 3 + 1 = 4 + 5 = 9 और 9 + 0 9 ही रहेगा, तो ये वाला नंबर आपका डिविजिबल होगा, ठीक। इसे देखते हैं, 5 + 0 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 क्या 9, तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये दो नंबर डिविजिबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो 8 + 1 = 9, 9 + 2 = 11, तो ये आपका डिविजिबल नहीं हुआ, तो सिर्फ ये और ये नंबर डिविजिबल है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं,
फोर का डी है ये. द नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री आर 3150, 5022. ठीक है, ये दो नंबर ही थे. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव. फाइव का ये इसमें दो क्वेश्चन है, मैं एक सॉल्व कर दे रही हूँ, दूसरा आप खुद से सॉल्व करना. आर द नंबर्स दिस एंड दिस डिविजिबल बाई टू? क्या ये और ये नंबर दो से डिविजिबल हैं? इज़ देयर सम ऑल्सो डिविजिबल बाई टू? और क्या इनके सम, इन दोनों के सम भी टू से डिविजिबल हैं? तो देखिए, आप टू के लिए तो आपको पता है कि इसके वंस प्लेस में क्या क्या होना चाहिए. तो यहाँ देखिए, वंस प्लेस में टू है और यहाँ सिक्स है. टू है और सिक्स है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर टू से डिविजिबल होगा. तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब कोई नंबर टू से डिविजिबल हो रहा है तो उन दोनों नंबर का सम भी टू से डिविजिबल होगा और उन दोनों नंबर का डिफरेंस भी टू से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना क्या है, देखिए आपको ये लिखना है, द नंबर्स 6042 एंड 415, 4186 इज डिविजिबल. ठीक है, डिविजिबल बाई टू बिकॉज द डिजिट इन द, एक सेकेंड, वंस प्लेस होगा ना, डिजिट इन द वंस प्लेस इज टू एंड टू यहाँ और यहाँ पे सिक्स, टू एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली. सो देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन में आपको सेम यही काम करना है. ठीक है, आपको वैसे ही करके लिखना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द नंबर्स टू गेट अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव. आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन दिए गए नंबर्स में ऐड करने पर फाइव से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए? तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है 1456. तो इसके वंस प्लेस में क्या होना चाहिए? जब जब फाइव से डिविजिबल होता है तो वंस प्लेस में ज़ीरो या फाइव हो. तो यहाँ तो सिक्स है, ये तो डिविजिबल नहीं होगा. तो चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे समझते हैं अच्छे से. क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना, सिक्स का ए. 1456 इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय फाइव बिकॉज द डिजिट इन द वंस प्लेस इज नाइदर ज़ीरो नॉर फाइव. ना तो ज़ीरो है और ना ही फाइव है. एक सेकेंड, द नंबर्स आफ्टर 1456 हैविंग, वो नंबर जिनके, जो 1456 के बाद जिनका वंस प्लेस क्या हो, फाइव हो या ज़ीरो हो, इन वंस प्लेस इज 1460 एंड 1465. ये दो नंबर होंगे ना, जो इसके और क्या बोलते हैं, इस 1456 के बाद जो नंबर आएगा जिसका वंस प्लेस ज़ीरो या फाइव हो, तो क्या होगा, ये और ये होगा. तो इसमें से आपको स्मॉलेस्ट वाला लेना है. तो स्मॉलेस्ट वाला कौन है, यही है ना. तो 1460 आप इसे लिख सकते हो 1456 प्लस
फोर, ऐसा क्यों हमने लिखा? क्वेश्चन में आपका 1456 था, तो हमने इसे पहले 1456 लिखा। अब इसमें आप कितना ऐड करोगे कि आपको 1460 मिले? 60 ये होना चाहिए, तो 56 में 4 ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे ना, तभी तो ये आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे करके लिखा, तो यहाँ पे आपका ऐड क्या हुआ? 4 ऐड हुआ ना, तो बस आपको यही बताना था। तो आप ऐसे करके लिखोगे, मैं ऊपर वाला लाइन इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, ठीक है? यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, दैट शुड बी एडेड टू 1456 टू मेक इट डिविजिबल। जो नंबर ऐड हो रहा है इसमें, जो कि 5 से डिविजिबल होगा, वो क्या है? तो 4 है, ठीक है? आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप पहले वाले का स्क्रीनशॉट लेना और इसके बाद जो मैंने लास्ट में ये लिखा है बस आपको वो लिखना है, ठीक है? सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1456 टू मेक इट डिविजिबल बाई 5 इज 4, ओके? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सेम यहाँ पे वही चीज़ है। यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि वो 10 से डिविजिबल हो जाए? यहाँ पे ऐड होना था और 5 से चाहिए था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और 10 से डिविजिबल हो, तो आपको पहले वाला नंबर देखना होगा। तो चलिए हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बस सेम आपको जैसे मैंने फर्स्ट वाले में लिख के समझाया था वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है? देखिए 7 का ए है, 1 2 3 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 10 बिकॉज द डिजिट इन द वंस प्लेस इज नॉट, क्या होना चाहिए 10 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी के लिए? 0 होना चाहिए, इज नॉट 0 द नंबर बिफोर 1 2 3 4 हैविंग, जिसका क्या हो? 0 वंस प्लेस हो, 0 इन वंस प्लेस इज 1 2 3, क्या होगा? 1 2 3 4 के पहले जिसका 0 हो वो कौन सा नंबर होगा? 1 2 3 0 हो जाएगा, ठीक है? 30 हो जाएगा ना, 34 से पहले 30, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4, ये जो नंबर था वो, इसमें से माइनस क्या करना पड़ा? 4 माइनस करेंगे तभी तो आपको 30 मिलेगा, 34 में 4 जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ना, तो आप ये लिख लेना। सो द स्मॉलेस्ट नंबर That should be subtracted, same line वहाँ पे added था, यहाँ पे subtracted to make it divisible by 10, to make it ऊपर वाला line मुझे erase करना होगा, आप screenshot ले लीजिए इसका। मेक इट डिविजिबल बाई 10 इज 4 है ना, 4 आ जाएगा, ठीक? सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट डिविजिबल बाई 10 इज 4, ओके? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो गया, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट ऑल द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स दैट आर डिविजिबल बाई 10, आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो
इन दिए गए टू डिजिट वाले वो सारे नंबर लिखने हैं जो इन दिए गए नंबर से डिविजिबल हो। तो पहला जैसे है आपका टू एज वेल एज टेन। एज वेल एज का मतलब होता है दो और साथ में टेन से भी, मतलब एज वेल एज यहाँ पे हुआ ये मतलब कि दो और टेन दोनों से वो नंबर डिविजिबल हो, ठीक है, वो टू डिजिट का नंबर आपको लिखना है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट का ए आपको ये लिखना है, ऑल द नंबर्स ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप फुल लिख लेना, नंबर्स ऑफ टू डिजिट दैट आर डिविजिबल बाय टू एज वेल एज टेन आर। तो क्या हो जाएगा इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है उन दोनों नंबर का एलसीएम आपको देखना है। एलसीएम क्या होगा उसी का आपको टेबल ले लेना है, ठीक है, उसी का टेबल आपको ले लेना है। तो टू और टेन का एलसीएम क्या होगा, टेन होगा, तो आपको टेन का टेबल लेना है, ठीक है, टेन का टेबल लेना है। तो टेन आप लोगे, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी, हंड्रेड नहीं लेना है, हंड्रेड लोगे तो वो थ्री डिजिट का बन जाएगा, आपको सिर्फ टू डिजिट वाला ही लेना है। तो ये हो जाएगा, ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं यही हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आपको बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए हो जाएगा फाइव एज वेल एज टेन। तो फाइव और टेन का एलसीएम आप लीजिए, फाइव और टेन का एलसीएम टेन मिलेगा, मतलब सेम आपका जो पहले वाले में आंसर आया था ना टेन का टेबल, यहाँ भी वही हो जाएगा। यहाँ आपको थ्री और टेन का एलसीएम लेना है, थ्री और टेन का एलसीएम क्या होगा, थ्री और टेन का एलसीएम हो जाएगा थर्टी। तो आपको थर्टी का टेबल लेना है, थर्टी सिक्सटी नाइन्टी, इसके आगे आप नहीं ले सकते क्योंकि 120 आएगा तो वो थ्री डिजिट बन जाएगा, आपको टू डिजिट का लेना है। तो आपको देखिए मैंने सी वाला भी बता ही दिया है, बी में आप सेम वन ए वाला ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, नेम द मंथ्स ऑफ द ईयर द नंबर ऑफ डेज ऑफ विच आर डिविजिबल बाय टू एज वेल एज फाइव। आपको उस ईयर में कौन कौन से ऐसे मंथ है जिनका डेज जो है वो टू और फाइव से डिविजिबल होगा। तो आपको पता है हर मंथ में जो हर एक मंथ होता है वो थर्टी थर्टी वन का होता है, सिर्फ फरवरी आपका 29 और 28 का होता है, ठीक है। तो फरवरी को आप छोड़ दीजिए, यहाँ आपको आप 30 और 31 में आप देखोगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम टू और फाइव का एलसीएम हो जाएगा, टू और फाइव का एलसीएम हो जाएगा आपका टेन। तो मतलब टेन से जो डिविजिबल होगा, तो टेन से तो आपका थर्टी ही डिविजिबल होता है, थर्टी तो होता नहीं, थर्टी वन तो नहीं होगा। दैट मीन्स आपको थर्टी डेज वाले जितने भी मंथ्स हैं उनका नेम लिखना है, थर्टी डेज वाले मंथ्स का नेम लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ, क्या क्या हो जाएगा थर्टी डेज वाले में। सबसे पहला आपका अप्रैल हो जाएगा, जनवरी आपका 31 का होता है, ठीक है, 31 डेज का। तो अप्रैल होगा, फिर आपका जून हो जाएगा, फिर आपका सितंबर होगा, और लास्ट आपका नवंबर हो जाएगा जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके चार मंथ्स ही हैं जो 30 डेज के हैं, बाकी 31 का होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन 35 एंड 55 दैट आर डिविजिबल बाई। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको 35 और 55 के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, इन दोनों के बीच वाला वो नंबर्स, वो जो भी नंबर्स होंगे सारे नंबर्स आपको लिखने हैं जो कि हर एक क्वेश्चन में दिया गया है अलग अलग, जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, 5 से डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल हो, 2 एज वेल एज 5 मतलब 2 और 5 दोनों से हो। तो जब दोनों की बात आती है तो आपको एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी एज वेल एज 5 एज वेल एज 10, यहाँ भी आपको दो नंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं इसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जैसे इस टाइप का एक और इस टाइप का एक, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ऑल द नंबर्स बिटवीन
ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है? बिटवीन ऐसे करके मैंने लिखा है, बिटवीन 35 and 55 दैट आर डिविजिबल बाई टू। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो सारे नंबर्स जो 35 और 55 के बीच में हो, जो कि 2 से डिविजिबल हो, वो क्या क्या होंगे? आर क्या होगा? 35 के जस्ट बाद 36, 7 नहीं होगा तो 38 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 42 होगा, उसके बाद आपका 44 होगा, 46, 48, 50, 52, 54। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपका दो दो बढ़ता जा रहा है, दो ऐड होते जा रहा है ना, 54। इसके बाद आप नहीं ले सकते, बस आपको इन दोनों के बीच का ही लेना था, ठीक है? तो इस तरह से 10 का ए बी सी जो भी है, एक दो क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बी सी तक। अब इसका नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। देखिए ये तो हो जाएगा 5 और 10, सेम वैसे ही बनाना है। डी में देखिए 2 as well as 5, मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10। तो 10 से जो जो डिविजिबल होंगे, इन दोनों के बीच में 10 से डिविजिबल वाला कौन सा नंबर होगा? जिसके वंस प्लेस में 0 होगा, है ना? तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, वही सेम सेंटेंस आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर डी है ना, 10 का डी, ऑल दी नंबर्स बिटवीन, देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया है, बिटवीन 35 and 55 दैट आर डिविजिबल बाई 10 आर क्या हो जाएगा? 35 के जस्ट बाद जिसमें 0 हो क्या होता है? 40। फिर क्या आएगा आपका? डायरेक्ट 50 आ जाएगा। बस ये दो ही नंबर आपके होंगे, ठीक है? तो ये दो नंबर आपको लिख देना है। नेक्स्ट वाले में भी वैसे ही है, उसमें 5 और 10 है। देखिए मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, यहाँ देखिए 5 और 10 है ना, 5 और 10। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। दैट मीन्स इसमें भी आपको सेम आंसर यही आएगा, 40 और 50। बस यहाँ पे आपको 10 के जगह पे आपको क्या लिखना, हाँ 10 ही तो होगा एलसीएम, ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था, एक सेकेंड, वहाँ पे 10 नहीं लिखना था, 2 as well as 5 लिखना था, ठीक है? 10 से डिविजिबल हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो जो 10 से डिविजिबल हो, हमने यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लिया है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 10 की जगह पे। देखिए मैं यहाँ पे सही कर दे रही हूँ फिर से, 10 तो हमने एलसीएम लिया था ना, तो आपको एलसीएम से चेक करना था, बट आपको लिखना वही होगा, दैट आर डिविजिबल बाई 2 as well as 5 आर 40, 50, ठीक है? हो गया आपको बस 2 as well as 5, ये क्वेश्चन में था, तो आपको ये लिखना है, आपको 10 नहीं लिखना है, आपको एलसीएम वाला नहीं लिखना है। जैसे नेक्स्ट वाले में होगा 5 as well as 10 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले में 3 और क्या है वो हम देख लेते हैं, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो चलिए हम इसका ये वाला सॉल्व करते हैं, 6 वाला। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर एफ है ना, तो आपको सिर्फ मैं ये लिख दे रही हूँ, देखिए, ऑल द नंबर्स बिटवीन 35 and 55 दैट आर डिविजिबल बाई 2 as well as 3 आर क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम क्या हमने लिया था? 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 से 35 के जस्ट बाद नंबर कौन सा होगा? तो 36 हो जाएगा। फिर आपका 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 6, 7 जा 42, मतलब 6 का टेबल ही लीजिए जो 36 के 35 के बाद आता है, तो 6, 6 जा 36, 6, 7 जा 42, 6, 8 जा 48, 6, 9 जा 54। अब 6, 10 जा लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो हमें तो 50 से पहले तक ही चाहिए था ना, तो बस आपका ये 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका ये चैप्टर
चैप्टर नहीं एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया है, इसका एक एक्सरसाइज और है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।